हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नाउ वी आपको आवाज आ रही है ना सभी को? नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5। रिमेनिंग टॉपिक इज द रोल ओवर। ओके, हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? Now the chapter is roll over। हेलो, आवाज आ रही? क्या मैसेज रिप्लाई करो? आवाज आ रही सभी को? यस मैम। ओके, थैंक यू। नाउ द चैप्टर इज अ रोल ओवर एंड दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 5। एंड आफ्टर दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल्स। विच प्रैक्टिकल्स वी विल फाइनलाइज फॉर द टोटल टोटल 12 प्रैक्टिकल्स आर फाइनलाइज फॉर द मैनुअल। एंड आई सो मैं उसके बारे में आपको गाइड करूंगी, हाउ टू राइट एंड व्हाट टू व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट एंड लैब मैनुअल्स रिटर्न, वो आपको क्या क्या लेना है वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। ओके, तो रोल ओवर क्या होता है? रोल ओवर आर मेनली यूज्ड, जैसे आपको पता होगा कि आप माउस को जब कोई पेज ओपन आप करते हो तो वेब पेज ओपन करने के बाद कई कई कभी कभी आप क्या करते हो कि माउस को अगर आप मूव करते हो, किसी इमेज पे मूव करते हो, तो थोड़ा सा उस इमेज की जगह पे हमें एक बहुत बड़ा वाला इमेज दिखता है या फिर अलग इमेज दिखता है, उसका प्राइस दिखता है, या फिर कभी कभी किसी हाइपरलिंक के सामने अगर हमने माउस सिर्फ माउस भी मूव अगर किया तो माउस मूव होते बराबर उसके सामने कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, तो ये जो टेक्स्ट मैसेज आता है या फिर एक छोटे जो इमेज के पास, सपोज हम बुक्स बुक्स के लिए कोई साइट ओपन किया है आपने, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स के डिटेल है, जैसे ही आप माउस उस बुक के पेज के ऊपर या फिर उस बुक के नाम के सामने लेते हो वैसे ही वहाँ पे क्या हो जाता है, फिर एक बहुत बड़े विंडो में उसका एनलार्ज साइज ओपन होता है या फिर दूसरा इमेज ओपन होता है या फिर उसके प्राइस डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, इस तरह से कोई मैसेज आते हैं, तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसको रोल ओवर कहा जाता है। रोल ओवर का मतलब ये है कि हम माउस को जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब हम वेब पेज के ऊपर जो भी हम पुट डाउन करने वाले हैं तो उसमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ हम जब लेके जाएंगे तब उसके ऊपर जैसे ही हमारा माउस मूव होगा तो माउस मूव होने के बाद हमारे हमारे स्क्रीन पे उसके रिलेटेड, मतलब आप दूसरा एक इमेज डिस्प्ले कर सकते हो, एक टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हो, और जैसे ही माउस वहां से हट जाता है तो वो वाला जो पार्ट रहता है ना, जैसे बड़ा वाला इमेज आता है या फिर उसके रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट प्राइस वगैरह आता है, तो जैसे ही हमारा माउस हटता है तो वहां से माउस हमने हटाने के बाद वो वाला जो पार्ट होता है वो इमेज बंद हो जाता है या फिर जो टेक्स्ट आया है प्राइस डिस्काउंट इस तरह से जो भी मैसेजेस आते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये अगर आपको कोडिंग में करना है आपके वेब पेज में तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये इसका पार्ट का नाम है रोल ओवर। नेक्स्ट, बिफोर गेटिंग इन टू हाउ टू क्रिएट अ रोल ओवर, फर्स्ट हमने एक डिस्कस करा है यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट का पेज लिया है, उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जैसे ही हम उसको माउस को मूव करेंगे तो वो एनहांस हो जाएगा, बड़ा वाला इमेज डिस्प्ले होगा। तो रोल ओवर्स आर कॉमनली यूज ऑन अ प्रोडक्ट पेज टू डिस्प्ले द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड देयर ऑनलाइन सेल्स इंफॉर्मेशन या फिर उसका प्राइस डिस्काउंट क्या है। नॉर्मली हम फ्लिपकार्ट या फिर इस तरह से जो वेबसाइट है वहाँ पे शॉपिंग करते समय किसी
माउस को अगर किसी इमेज के ऊपर हम मूव करते हो तो वो बड़ा हो जाता है, उसके डिस्काउंट, उसके प्राइस या फिर उसके डिटेल्स वगैरह छोटे, मतलब थोड़ी टाइम के लिए जितने टाइम तक माउस है उतने टाइम तक डिस्प्ले होते हैं। माउस को नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ हमने हटाया तो वो वहां से बंद हो जाता है। तो ये वाले कंसेप्ट के लिए हमें क्या करना है, आज हमें रोल ओवर का एक प्रैक्टिकल देखना है। ठीक है, तो इन फॉलोइंग फिगर इट शोज दैट द प्रोडक्ट पेज वी आर गोइंग टू बिल्ड। अब ये वाला प्रोडक्ट पेज हमें बनाना है जिसमें हम एक सिंपल सिंपल से हम कंसेप्ट करने वाले। फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे है ना एक देखो जावा का प्रोजेक्ट, जावा का जो बुक है ना उस बुक का इमेज है। यहाँ पे एक जावा का पेज जो है उस पेज को डिस्प्ले किया है और उसके सामने जो है वो बुक का नाम दिया है। एंड आफ्टर दैट उस बुक का जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे आप बोलते हो डिस्क्रिप्शन में आता है उसका नाम, उसका ऑथर का नाम या फिर उसका आईएसबीएन नंबर, इस तरह से कुछ डिटेल्स है। तो अगर हमारे नंबर ऑफ बुक्स अगर ऑनलाइन सेल करने हैं तो उस टाइम पे हमें बुक का इमेज लगेगा, बुक का नाम लगेगा और बुक के डिटेल्स लगेंगे, डिस्क्रिप्शन लगेंगे। और ये वाला सारा इन्फॉर्मेशन अगर हमें वेब पेज पे डालना है तो उसको टेबल फॉर्मेट में डाल रहे हैं। टेबल मतलब वन आफ्टर वन हमारे बुक्स के नाम आते जाएंगे, बुक्स के इमेजेस आते जाएंगे। ठीक है, और उसके नीचे आईएसबीएन नंबर इस तरह से आते जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना टीआर जो टैग है वो यूज करना है हमें। टीआर जो टैग है वो रोज एक एक रोज छोड़ के अगर आप जब इंफॉर्मेशन लिखते जाओगे तो टीआर यूज करोगे। और कॉलम यहाँ पे तीन कॉलम यूज किए हैं। पहले कॉलम में उस पहले कॉलम में उस बुक का इमेज डिस्प्ले किया है। सेकंड जो कॉलम है उसको ब्लैंक रखा है, ब्लैंक इसके लिए बिकॉज स्पेस हमें डिस्प्ले करना था। हाँ, तो यहाँ पे बुक का कवर और उसके बाद बुक के नाम के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, तो उसके लिए सेकंड वाला जो टेबल है, सेकंड वाला टेबल को ब्लैंक रखना है। और थर्ड वाला जो टेबल है एंड आफ्टर दैट थर्ड वाला जो है कॉलम, देखो रोज का मतलब क्या रहता है कि हमें एक पेज का एक बुक का इन्फॉर्मेशन डालने के बाद वहां पे एक रो हम ब्लैंक रखेंगे। और कॉलम का मतलब यह है कि पहले वाले कॉलम में सिर्फ बुक का कवर पेज या फिर बुक का इमेज रहेगा, सेकेंड कॉलम आपका ब्लैंक रहा है बिकॉज भी वहां पे हमें स्पेस करना है थोड़ा सा। और थर्ड वाले कॉलम में हमें उस बुक का नाम लिखना है, आईएसबीएन नंबर लिखना है और उसके डिटेल्स या फिर डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे रो के लिए टीआर टैग यूज करना है टेबल का, टेबल फॉर्मेट में है। और कॉलम बनाने के लिए टीडी वाला टैग यूज करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे उसका कोडिंग दिया है। ये देखो यहाँ पे ये वाला कोडिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दिस कोडिंग द टेबल इज क्रिएटेड। तो फर्स्ट टेक द टाइटल, हेडर पार्ट में टाइटल लिखा है, टाइटल इज इक्वल टू प्रोडक्ट पेज। ओके, एंड टाइटल एंड देन हेडर एंड एंड बॉडी पार्ट में क्या लिखा है, टेबल क्रिएट किया है। टेबल का साइज दिया है, विड्थ 100% दिया है और बॉर्डर उसका 0 किया है। बॉर्डर 0 का मतलब ये है कि वहां पे तीन अलग अलग कॉलम प्रिपेयर किए, रोज किए आपने, लेकिन उनके बीच में जो लाइंस रहता है ना वो लाइन हमें डिस्प्ले नहीं करना है, उसका बॉर्डर हमें डिस्प्ले नहीं करना है, दैट्स व्हाई बॉर्डर इज 0। ओके, तो टेबल बॉडी में हमें क्या करना है, रोज, तो टी आर इज द रो और रो का जो अलाइनमेंट है वो टॉप अलाइनमेंट ठीक है, वी वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल टू टॉप। ओके, एंड टी डी विड्थ इज इक्वल टू 50। और टी डी का मतलब क्या रहता है, जो भी आप कॉलम बनाओगे, कॉलम कॉलम बनाने वाले हो आप, तो पहले वाले कॉलम का विड्थ, फर्स्ट वाले कॉलम का विड्थ जो रहेगा वो 50 रहेगा। अभी यहाँ पे वी अलाइनमेंट का क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब है टॉप पे हमें क्या करना है, एक कॉलम बनाना है और जिसका साइज रहेगा 50। ओके, तो उस पार्ट पे हमें क्या करना है, फिर हमें एक इमेज इंसर्ट करना था, तो उसके लिए एंकर वाला टैग यूज करके एक इमेज इंसर्ट किया है, आईएमजी। आईएमजी के अंदर हाइट दिया है, एसआरसी में उसका इमेज का नेम दिया है, विड्थ दिया है और बॉर्डर को 0 किया है। तो आपको देखो
जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का बुक का पहले पेज डिस्प्ले हुआ, फिर उसके बाद हमने एक ब्लैंक कॉलम है और थर्ड वाले कॉलम में हमारे डिटेल्स आ रहे हैं। तो पहले कॉलम में सिर्फ इमेज है, तो इमेज वाले पार्ट के लिए हमें हाइट लगेगा, उसका बॉर्डर जीरो करना पड़ेगा और सोर्स लगेगा कौन सा इमेज लोड करना है वो, और विड्थ लगेगा। तो हाइट और विड्थ यहाँ पे 92 और विड्थ 70 डिक्लेयर किया है, बॉर्डर जीरो डिक्लेयर किया है, और SRC का मतलब है जो इमेज आपको लोड करना है उसका नाम है वो। तो यहाँ पे एंड हुआ आपका फर्स्ट कॉलम, तो TD को बैक स्लैश करके आपने फर्स्ट कॉलम एंड किया। फिर सेकेंड कॉलम स्टार्ट हुआ है, सेकेंड कॉलम में हमें क्या डिस्प्ले करना है, सिर्फ IMG हाइट इज इक्वल टू 1, NSRC नल विड्थ इज इक्वल टू 10। तो 10 विड्थ का हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लैंक रखना है। ब्लैंक का मतलब क्या रहता है, मतलब वहां पे कोई भी कंटेंट हमने लिखे नहीं है, सिर्फ विड्थ मतलब एक 10 साइज का हमें एक वहाँ पे ब्लैंक कॉलम छोड़ देना है। अभी ये ब्लैंक का मतलब क्या है कि हमें इमेज और डिस्क्रिप्शन के बीच में थोड़ा सा स्पेस दिखाना था, इसलिए उसको ब्लैंक रखा है। थर्ड वाला कॉलम देखो, देन बैक स्लैश TD का मतलब है यहाँ पे सेकेंड कॉलम एंड हुआ। उसके बाद आपका थर्ड कॉलम रहता है, थर्ड कॉलम इज अगेन स्टार्ट विद द TD। यहाँ पे भी ए कमांड एंकर का यूज करके यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में, बी एंड यू का मतलब है बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में हमें जावा डिमिस्टिफाइड, इस तरह से हमें बुक का नाम डिस्प्ले करना था। तो यहाँ पे बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में उसका नाम डिस्प्ले होगा। देन उसका फॉन्ट सेट किया है, फॉन्ट किसके लिए सेट किया है, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन है ISBN नंबर और उसके बुक के रिलेटेड, तो वो डिटेल्स हमें प्रिंट करने के लिए फॉन्ट दिया है एरियल। साइज इज इक्वल टू जो भी आपका साइज है वो डिक्लेयर किया है, एंड जो डिटेल्स आपको प्रिंट करने हैं वो डिटेल्स वहाँ पे दिए है। BR का मतलब है ब्रेक देना है वहाँ पे। तो यहाँ पे स्लैश TD करके आप क्या कर रहे हो, TD का मतलब है यहाँ पे थर्ड कॉलम आपका एंड हुआ, स्लैश TR का मतलब है यहाँ पे आपका एक रो एंड हुआ। रो का आप स्टार्ट किया था T बॉडी, टेबल का बॉडी, देखो टेबल का विड्थ 100 और बॉर्डर इज इक्वल टू 0 के बाद T बॉडी के बाद नेक्स्ट लाइन था TR। तो यहाँ पे हमने टॉप लेवल पे फर्स्ट रो क्रिएट करना स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमारे 3 कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं, उसके बाद हमें रो को एंड करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें फिर से नया रो अगर डालना है तो फिर से TR करके हमें नया रो हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देन एंड ऑफ TR, एंड ऑफ T बॉडी मतलब टेबल बॉडी, एंड ऑफ टेबल, एंड ऑफ बॉडी एंड एंड ऑफ HTML। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अभी मैंने जो प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है उसमें कोई अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे अभी पूछ लो आप, या फिर आपको समझ में आया होगा तो यस रिप्लाई करो। हमारी बात अगर सुन रहे बहुत ठीक है, नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर आई थिंक। तो ये वाले कोडिंग में सिर्फ हमने टेबल क्रिएट किया है, टेबल में एक रो इंसर्ट किया है और 3 कॉलम इंसर्ट किए, फर्स्ट कॉलम में इमेज, सेकेंड कॉलम हमारे स्पेस के लिए और थर्ड कॉलम हमारे प्रोडक्ट के मतलब बुक के डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी अभी नेक्स्ट क्या किया है मैंने, अभी ये वाला पेज तो क्रिएट कर लिया है, ये वेब पेज। अभी हमें क्या करना है कि वहाँ पे अभी रोल ओवर क्रिएट करना है। रोल ओवर का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे वहाँ पे माउस आएगा उस इमेज के ऊपर, तो साइड में एक बड़ा वाला इमेज डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर टेक्स्ट इस तरह से हमें उसके इंफॉर्मेशन, डिस्काउंट, प्राइस, इस तरह से कोई डिटेल्स हमें डिस्प्ले करने, तो उसे कहते हैं क्रिएटिंग अ रोल ओवर। तो रोल ओवर इज कॉज बाय एन इवेंट कॉल्ड ऑन माउस ओवर एंड ऑकर व्हेन अ विजिटर टू योर वेबसाइट मूव्स द माउस ओवर एन ऑब्जेक्ट दैट अपीयर ऑन द पेज। तो रोल ओवर का मतलब क्या रहता है, रोल ओवर इज कॉज बाय एन इवेंट। रोल ओवर कब फायर होता है, जब कोई इवेंट ऑकर होता है, इवेंट लाइक एज ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर मतलब जैसे ही माउस उसके ऊपर आएगा तो ये वाला इवेंट वहां पे कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे व्हेन विजिटर जस्ट उस साइड से मूव करेगा माउस, तो जैसे ही माउस मूव होगा तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें एक इमेज साइड में अपीयर होगा, टेक्स्ट होगा। तो टेक्स्ट अगर ऑकर साइड में अगर डिस्प्ले होता है तो उसको टेक्स्ट रोल ओवर करते, इमेज अगर होगा तो इमेज रोल ओवर कहते हैं, ठीक है।
यू देन यू रिएक्ट टू द ऑन माउस ओवर इवेंट बाय यूजिंग ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल टैग। तो उसके लिए हमें एक सेपरेट कोडिंग बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम ये वाला एट्रीब्यूट यूज करके वहाँ पे कोडिंग लिखेंगे कि जैसे ही माउस आएगा तो हमें क्या करना है। तो लेट्स यहाँ पे एक नीचे एक एग्जांपल दिया है कि इमेज जो था, इमेज हाइट इज इक्वल टू 92 SRC, वो ऑलरेडी जो इमेज है वो है, और उसका विड्थ है 70, बॉर्डर इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने अभी फर्स्ट कॉलम में इमेज दिया है, देखो इमेज में हाइट विड्थ दिया है और SRC करके उसका इमेज का नाम दिया है और बॉर्डर को 0 रखा है। लेकिन जैसे उसके ऊपर ऑन माउस ओवर, ये देखो कोडिंग में दिया है, छोटा सा एग्जांपल दिया है ऑन माउस ओवर, तो लेकिन जैसे ही उस इमेज के पास माउस आएगा तो हमें क्या करना है, दूसरा इमेज डिस्प्ले करना है, या फिर अलग से हमें इमेज वहाँ पे, या फिर डिस्काउंट प्राइस इस तरह से कोई अलग वाला इमेज रहेगा वो इमेज हमें डिस्प्ले करना है। तो इसलिए ऑन माउस ओवर SRC इज इक्वल टू द पर्टिकुलर GPEG फाइल। तो ये क्या करेगा, ऑलरेडी हमारा इमेज जो है IMG हाइट 92 वाला, विड 70 वाला, ये वाले इमेज के ऊपर जैसे ही हमारा माउस मूव हो जाएगा तो हमारा दूसरा इमेज वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये वाला कोडिंग जैसे ही हम वहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा माउस ओवर वाला जो इवेंट है वो वहाँ पे परफॉर्म होगा। IMG टैग का मतलब क्या है, ये इमेज ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है जब हमें इमेज इंसर्ट करना है होता है तब। और SRC का मतलब ये रहता है कि जो इमेज हम डाउनलोड करके रखते हैं उस डाउनलोड इमेज का हमें सिर्फ वहाँ पे पाथ देना पड़ता है, उसका नाम असाइन करना पड़ता है, ठीक है। देन एंड देन द पर्टिकुलर इमेज इज लोडेड व्हेन द वेब पेज इज ओपन। नेक्स्ट, ये वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आपको चेक करना है कि रोल ओवर है या नहीं है। कुछ कुछ ब्राउजर जो रहते हैं ना वो रोल ओवर को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा दिया है कि एक एरे आप डिक्लेयर करके वन बाय वन उसको इमेजेस असाइन कर सकते हो, और इमेजेस अगर उस डॉक्यूमेंट के इमेजेस अगर असाइन हो गए, मतलब उस डॉक्यूमेंट के जीरोथ लोकेशन पे फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, या फिर इस तरह से इमेज अगर आपने असाइन किए और वो अगर लोड हो रहे तो इसका मतलब वहाँ पे रोल ओवर है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है वो टेस्ट करने के लिए कि ब्राउजर इज सपोर्ट टू रोल ओवर और नॉट। उसके लिए प्रोग्राम में क्या करोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, और डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस में लिखोगे ब्राउजर सपोर्ट्स रोल ओवर। अगर डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस है और उसका जो अगर रिटर्न में अगर ट्रू आया, मतलब वैल्यू अगर वन आया रिटर्न में, तो ब्राउजर सपोर्ट रोल ओवर। अगर रिटर्न में वैल्यू वन नहीं आता है तो ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट रोल ओवर। तो ये आपको ये छोटा सा पार्ट रन करके भी आप चेक कर सकते हो कोडिंग में। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज द ये मैंने अभी आपको बताया कि उसमें क्या किया है, रोल ओवर ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट में हम क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला इमेज डिस्प्ले करें। अभी रोल बैक कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे माउस आएगा तो उसमें वो वाला इमेज डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन रोल बैक का मतलब क्या है, माउस आया तो इमेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन माउस गया तो वो वाला इमेज जो है उसको रोल बैक करना पड़ेगा, मतलब उसको बंद करना पड़ेगा ना। तो टिपिकली यू वांट टू रोल बैक और रिवर्स चेंजेस, हमें बैक जाना है थोड़ा। ऑफ द माउस ओवर इवेंट व्हेन द विजिटर मूव द कर्सर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यू मे वांट द ओरिजिनल इवेंट टू रिटर्न टू द स्क्रीन आफ्टर द माउस इज मूव अवे। माउस जैसे वहां से मूव अवे होगा या फिर वहां से हटाएंगे तो हमारा जो इमेज डिस्प्ले हो रहा था उसको वो इमेज डिस्प्ले होना बंद होना चाहिए, मतलब जो जैसे हमने ओरिजिनल इमेज को ऑन माउस ओवर के इमेज पे दूसरा इमेज डिस्प्ले किया था तो उसको बंद करना है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू मे वॉन्ट टू चेंज द ओरिजिनल इमेज टू रिटर्न टू द स्क्रीन आफ्टर द माउस इज मूव अवे, रिप्लेसिंग द इमेज दैट वॉज डिस्प्लेड वेन द माउस ओवर इवेंट ऑकर्ड। यू कैन डू दिस बाय रिक्रिएटिंग द माउस ओवर इवेंट विच ऑकर वेन एवर द माउस। नेक्स्ट, कर्सर इज मूव ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही वहां से माउस हटेगा तो जो पहला वाला इमेज था वही डिस्प्ले होना चाहिए।
तो इसके लिए है ना एक सिंपल सा कोडिंग है। अभी जैसे माउस ओवर पे हम इमेज डिस्प्ले करें तो उसके उल्टा जो वाला इवेंट है मतलब रिवर्स, जैसे माउस वहां से आउट होगा, ऑन माउस आउट, हमें क्या करना है पहले वाले ओरिजिनल इमेज को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे दो लाइन दिए हैं, देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रोल ओवर ऑन माउस ओवर पे हमें दूसरा वाला इमेज डिस्प्ले किया था। सेम कोडिंग है, IMG हाइट इज इक्वल टू 92, SRC में ओरिजिनल जो फाइल है उसका नाम दिया है, विड्थ इज इक्वल टू 70, बॉर्डर इज इक्वल टू 0, बॉर्डर 0 किया मतलब इनविजिबल रखा है, एंड ऑन माउस ओवर मतलब जैसे ही उसके ऊपर माउस जाएगा तो ये 7417436.gif वाला इमेज ओपन होगा। अभी हमें क्या करना है कि जब माउस आएगा तो ये इमेज ओपन करना है, लेकिन जैसे ही माउस वहां से हटेगा तो ओरिजिनल जो इमेज था पहला वाला वही इमेज हमें एज इट इज दिखाना है। तो ऑन माउस आउट SRC इज इक्वल टू जो ओरिजिनल इमेज का नंबर था ना वही नंबर हमें देना है, 7441805.gif, तो वही नंबर दिया है 7441805.gif। तो यहाँ पे जैसे ही हम माउस ओवर के थ्रू हम इमेज डिस्प्ले करें तो माउस आउट के थ्रू हम डिस्प्लेड इमेज को बंद भी कर सकते हैं। तो नीचे एक प्रोग्राम दिया है रोल ओवर और रोल बैक के लिए, सेम है जिसमें अभी मैंने टेबल एक्सप्लेन किया था आपको, वो वाले टेबल में तीन कॉलम्स थे, तो पहले वाले कॉलम में इमेज था और इमेज वाले कॉलम में ही हमने माउस माउस ओवर और माउस आउट का कोडिंग लिखा है। तो पहला वाला कॉलम चेक करते हैं, सिर्फ यहाँ पे टेबल के बॉडी में TD के बाद ये दिया है, देखो इमेज हाइट इज इक्वल टू 92, SRC ये मेन ओरिजिनल इमेज का नंबर है, और उसके बाद विड्थ 70, बॉर्डर 0, और जैसे ही माउस जाएगा तो दूसरा इमेज डिस्प्ले करना है हमें, तो दूसरे इमेज का यहाँ पे नंबर दिया है 7417436.gif, और जैसे ही माउस वहां से हटेगा आउट होगा, ऑन माउस आउट SRC हमारा फर्स्ट ओरिजिनल जो इमेज था उसको ओपन करेगा। तो ये वाला कोडिंग जो था, प्रीवियस वाला जो कोडिंग था ना टेबल बनाया था हमने, वही वाले टेबल वाले कोडिंग में हमने एक रोल ओवर के थ्रू एक दूसरा इमेज को डिस्प्ले किया है, और माउस आउट को मतलब वो वाला इमेज वहां से बंद किया है, उसके रिवेस किया है। सेम है, सेम प्रोग्राम है, सिर्फ वहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम के कोडिंग में इमेज के साथ हम माउस ओवर और माउस आउट वाला कंसेप्ट यहाँ पे ऐड किया है। ये वाला कंसेप्ट आपको समझा है क्या? प्लीज रिप्लाई यस, और अदरवाइज मैं आपको ये फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ओके थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट अभी ये है टेक्स्ट रोल ओवर, जैसे अभी इमेज को हमने रोल ओवर किया था ना, इमेज मतलब हमने क्या किया था, इमेज के ऊपर हमने दूसरा बड़ा वाला इमेज डिस्प्ले किया था, बड़ा वाला मतलब दूसरा, उसके जगह पे दूसरा इमेज डिस्प्ले किया था। हाँ, वैसे ही हम टेक्स्ट को भी रोल ओवर कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट एज मेनी रोल ओवर एज यू वॉन्ट ऑन यूर वेब पेज, हाउ एवर ईच वन शुड बी मीनिंगफुल टू द विजिटर, विजिटर्स के लिए मतलब मतलब कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरे वेब पेज में सिर्फ रोल ओवर ही देके रखे अनवांटेड, मतलब जैसे ही मैं माउस वहां से हटा तो यहाँ पे एक इमेज, वहाँ पे एक इमेज, वहाँ पे एक लिंक, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट, तो ज्यादा से ज्यादा भी रोल ओवर रहेंगे तो वो विजिटर्स के लिए मतलब इतना अट्रैक्टिव मतलब इतना यूजर्स के लिए इतना अच्छा नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है कि विजिटर्स को कम से कम रोल ओवर देने हैं जिसमें वो वेब पेज को इजीली हैंडल कर सके, लेकिन इम्पोर्टेंट और मेन रोल ओवर्स होने चाहिए जिससे उनको इजीली विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उनको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे अभी मुझे क्या करना है कि मैं बुक्स सेल कर रही हूँ, तो बुक्स का जो डिटेल है तो उसके सामने जो रोल ओवर करके मैं उसके ऊपर डिस्काउंट डिस्प्ले करूंगी कि करंटली 30% डिस्काउंट। हाँ, तो इससे क्या होगा कि हमें दूसरा पेज पे के ऊपर नेविगेट ना करते हुए उसी के पास उसी के इमेज में हमें उसकी डिटेल्स मिल गई कि कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, तो ये इसका एडवांटेज रहता है। समटाइम्स जो डेवलपर जो रहते हैं वो अच्छे वाले रोल ओवर्स क्रिएट करते हैं कि जिससे हमें ज्यादा हाइपर लिंक मतलब नेक्स्ट वाले वेब पेजेस देने से अच्छे है कि उसी के पास हम छोटा सा इमेज डाल के मतलब डिस्काउंट इतना मिल रहा है, प्राइस इतना था, तो ये वाले हम अलग से हाइपर लिंक में या फिर इसमें डालने के अच्छा है कि उसके इमेज में ही उसको डिस्प्ले कर देंगे। यू कैन क्रिएट अ रोल ओवर फॉर टेक्स्ट बाय यूजिंग द ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग विच इज एंकर टैग, मैंने अभी आपको बताया कि ए टैग को एंकर टैग बोलते हैं,
एंड ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट द सेम वे एज यू डू विद द इमेज टैग. और जैसे हमने इमेज टैग के साथ किया था वैसे ही हम ए टैग के साथ कर सकते हैं. लेट स्टार्ट विद द रोल ओवर प्रोजेक्ट दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ बुक्स टाइटल. अभी यहाँ पे है ना बुक्स टाइटल दिए हैं, बुक के नाम दिए हैं. हमें क्या करना है, उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमें जैसे ही यूजर वहां से रोल करेगा माउस तो उसके ऊपर मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस बुक के रिलेटेड डिस्प्ले करना है. तो यहाँ पे एक ए करके जो टैग है ना उसको एंकर टैग कहते हैं. नीचे लो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो फर्स्ट इमेज जो दिया है, इमेज इज इक्वल टू 92, SRC दिस वन इज द ओरिजिनल इमेज, विड्थ इज इक्वल टू 70, बॉर्डर 0 रखा है और उसका नाम रखा है कवर. अभी उस इमेज का नाम भी असाइन कर दिया है. नेक्स्ट वी रेफरेंस द नेम कवर इन द SRC एट्रीब्यूट टू चेंज द इमेज दैट इज असाइन टू द कवर. नोटिस दैट वी यूज द कंप्लीट डॉक्यूमेंट पाथ बिगिनिंग विद द डॉक्यूमेंट, देन द ऑब्जेक्ट विद इन द ऑब्जेक्ट एंड देन द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी आर चेंजिंग. अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे नीचे ए टैग यूज किया है, ठीक है. तो जब हम ए टैग यूज किया है तो ऑन माउस ओवर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कवर डॉट SRC. अभी ऑन माउस ओवर हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का डॉट कवर डॉट SRC ये वाला जो इमेज है इसको ओपन करने वाले हैं, और इसको बोल्ड उसको बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट, यू फॉर अंडरलाइन, जावा डिमिस्टिफाइड, ये करके हम उसका नाम डिस्प्ले करेंगे. तो यहाँ पे क्या किया है कि जैसे ही माउस का कर्सर आएगा कहाँ पे आएगा, डॉक्यूमेंट के कवर पेज, कवर डॉक्यूमेंट डॉट कवर डॉट ये वाला जो इमेज है इसके कवर पेज पे जैसे ही माउस आएगा तो हमें टेक्स्ट को रोल ओवर करना है. टेक्स्ट मतलब मुझे क्या करना है, उसका नाम वहाँ पे बोल्ड और हाँ अंडरलाइन फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है. तो बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में जावा डिमिस्टिफाइड डिस्प्ले किया है और स्लैश ए से उस एंकर को क्लोज किया है. नीचे देखो ये देखो यहाँ पे एक कोडिंग दिया है नीचे कि यहाँ पे तीन अलग अलग बुक है, जावा बुक, ओपी बुक एंड डाटा स्ट्रक्चर बुक. ओके, तो यहाँ पे हम उसके नाम हाईलाइट करेंगे सिर्फ. तो यहाँ पे ये वाला कोडिंग देखो, अगेन द रोल ओवर टेक्स्ट में क्या किया है, फिर से वही वाला टेबल कॉल किया है. उस टेबल में क्या होगा, इस टेबल में क्या होगा, फिर से हम विड्थ 100%, बॉर्डर इज इक्वल टू 0, सेम कंसेप्ट है. यहाँ पे अभी मैंने ना उसके इमेज वाला रोल ओवर जो कंसेप्ट था उसको निकाल दिया है. तो यहाँ पे इमेज रोल ओवर का कंसेप्ट निकाल दिया और नेम असाइन कर दिया कवर, और बाकी वाला एज इट इज रखा है. उसके नेक्स्ट वाला विड्थ एज इट इज रखा है. नेक्स्ट थर्ड कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम कौन सा है, देन थर्ड कॉलम इज द नेम. ओके, तो यहाँ पे नेम वाला जो पार्ट है ना उसके लिए मैंने टेक्स्ट रोल ओवर यूज किया है. ये देखो अभी फर्स्ट वाला टेबल, ये टेबल मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ. टेबल वाला फर्स्ट जो कॉलम था वो इमेज का था, सेकंड जो कॉलम था वो स्पेस के लिए था, थर्ड वाला कॉलम जो था ए एंकर यूज करके ऑन माउस ओवर, लास्ट लाइन देखो, ए एंकर ऑन माउस ओवर डॉक्यूमेंट डॉट कवर डॉट SRC, वो कवर के ऊपर जैसे ही माउस आएगा तो जावा डिमिस्टिफाइड ये करके हमें बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है. और ऑन माउस ओवर अगर देखो ये वाले इमेज के ऊपर आएगा तो जावा डिस्प्ले करना है. नीचे एक और दिया है कि डॉक्यूमेंट डॉट कवर SRC. अभी ये जो है ना ये तीनों जो है इसको समझ लो आप, पहले वाला जो दिया ऐप का नंबर था वो 7441805 ये था. तो 7744185 का मतलब क्या है, ये जावा की बुक का नंबर है. तो जब इस इमेज पे आएगा तो जावा डिस्प्ले करना है. 00722536 30 ये वाले इमेज के ऊपर अगर जाएगा तो OOP डिस्प्ले करना है. और लास्ट वाला 7417436 पे अगर आपने मूव किया माउस तो डेटा स्ट्रक्चर मूव करना है. तो यहाँ पे क्या किया है, तीन अलग अलग इमेजेस से पहला वाला इमेज जावा के बुक का है, थर्ड वाला जो इमेज है वो OOP के बुक का है, और थर्ड वाला सेकेंड वाला जो है वो OOP का है, और थर्ड वाला जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के इमेज का है.
तो तीन अलग अलग इमेजेस के हिसाब से वहाँ पे इमेज नंबर चेक किया है, और इमेज नंबर अगर वो मैच हुआ तो जावा डिस्प्ले करना है, सेकेंड वाला इमेज नंबर मैच हुआ तो ओओपी डिस्प्ले करना है, और थर्ड वाला इमेज अगर मैच हुआ तो डेटा स्ट्रक्चर बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। तो ये वाले कोडिंग को आप रन करने के बाद टेक्स्ट रोल ओवर वाला कमांड आपका रन होगा। आई थिंक आपको ये वाला कंसेप्ट समझा होगा। प्लीज सेंड मी रिप्लाई, रिप्लाई करते जाओ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। अगर समझ में आया होगा तो यस रिप्लाई करो। हेलो सर, प्लीज सेंड द रिप्लाई, अदरवाइज आई मैं फिर से रिपीट करूंगी। रिमेनिंग स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आया उन्होंने नो रिप्लाई करना है प्लीज। देखो ये वाले इसमें है ना टेक्स्ट रोल ओवर किया है, और टेक्स्ट रोल ओवर में क्या किया है कि अगर आपका इमेज नंबर जो है वो अगर जावा का बुक का इमेज नंबर है तो जावा बुक जावा ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में हाईलाइट होगा। मतलब जैसे उसके सामने माउस जाएगा ना उस इमेज के ऊपर, तो इमेज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। पहला अगर इमेज नंबर मैच हुआ तो जावा डिस्प्ले होगा, सेकेंड इमेज मैच हुआ तो ओओपी डिस्प्ले होगा, थर्ड इमेज मैच हुआ तो डेटा स्ट्रक्चर मैच डिस्प्ले करेगा। तो ये था आपका टेक्स्ट रोल ओवर। नेक्स्ट, अभी मल्टीपल एक्शंस आप कर सकते हो एक रोल ओवर के लिए। मल्टीपल एक्शंस कैसे रहते हैं, मल्टीपल एक्शन के लिए जैसे ओपन न्यू विंडो जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट है ये क्या करेगा कि हमें जैसे हम रोल ओवर यूज करेंगे ना तो उसके ऊपर आप एक से ज्यादा एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए कोडिंग दिया है, कोडिंग ही देखते हैं डायरेक्ट। नीचे आओ, अभी आपको ये पता है कि जब हम एक मिनट एक मिनट आई एम जी का मतलब ये रहता है कि इमेज अगर हमारा पार्ट है तो उसके लिए हम आई एम जी यूज करते हैं, और उसके बाद हम एस आर सी के थ्रू उसका इमेज का नाम देते हैं, और न्यू विंडो अगर ओपन करना है तो विंडो डॉट ओपन, और उसमें कुछ लिखना है तो विंडो डॉट राइट, ये वाले मेथड्स हमें यूज करने हैं। नेक्स्ट नीचे आओ एक मिनट। अभी ये वाला पार्ट देखो, इस वाले पार्ट में क्या किया है, नाउ इन दिस एक ओपन विंडो करके एक टाइटल दिया इसका। इसमें क्या किया है कि फंक्शन ओपन न्यू विंडो फॉर बुक के लिए कॉल किया है। बुक अगर वन है तो ये वाले डिटेल्स डिस्प्ले होंगे, बुक का जो इमेज है डॉक्यूमेंट डॉट कवर डॉट एस आर सी ये वाला इमेज डिस्प्ले होगा। फिर उस बुक के लिए हमें क्या करना है, टाइटल बार, स्टेटस टूल, देन टूल बार, लोकेशन बार, मेनू बार, ये सारा जीरो मतलब उसको इनविजिबल करके रखा है, और विड्थ लेफ्ट राइट और टॉप लेफ्ट और टॉप डिस्प्ले करके उसका इमेज डिस्प्ले करने के बाद एक छोटा सा विंडो आएगा जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट दिया रहेगा कि जावा के ऊपर हमें 10% डिस्काउंट है। ऊपर अगर थोड़ा सा प्रीवियस लो और थोड़ा सा ऊपर और ऊपर ये सी इन दिस डायग्राम हमें क्या करना है कि अभी एक छोटा विंडो ओपन करना है, छोटा सा विंडो क्रिएट करना है, फंक्शन कॉल करना है जिसके ऊपर हम जावा जावा वाली जो स्क्रीन है ना, जावा का जो कवर पेज है उसके ऊपर अगर जैसे ही मैंने माउस मूव किया ना तो मुझे क्या करना है, वहाँ पे 10% डिस्काउंट है, ओपी के ऊपर 20% डिस्काउंट है, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर 30% डिस्काउंट है, इस तरह से डिस्प्ले करना है। तो ये देखो यहाँ पे हमने जावा के ऊपर जैसे ही माउस मूव हुआ था तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट फॉर जावा बुक, ओके इस तरह से हमारे सामने मैसेज आएगा। तो इसके लिए ये नीचे वाला कोडिंग लिखा है, प्लीज नीचे जाओ थोड़ा। तो यहाँ पे दिया है बुक वन का मतलब क्या है कि जब हमारा बुक नंबर वन मैच होगा ना, बुक वन मतलब
यहाँ पे हर बुक के लिए आपने आईडी असाइन किया है, मतलब इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री। तो हमारे तीन रो हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पे। फर्स्ट रो में जावा है, सेकेंड रो में ओपी है, और थर्ड रो में डेटा स्ट्रक्चर है। तो बुक वन का मतलब है जावा का बुक। तो जावा की बुक के ऊपर जैसे ही हम आएंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ओपन न्यू विंडो वाला फंक्शन कॉल होगा, और वहाँ पे 10% डिस्काउंट डिस्प्ले होगा। जैसे हम बुक टू की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे सेकेंड विंडो ओपन होगा, जहाँ पे राइट किया रहेगा, जहाँ पे राइट किया रहेगा 20% डिस्काउंट फॉर ओओपी। एंड अगर बुक थ्री की तरफ हम जाएंगे तो उसका देखो, वो जो तीनों के जो डॉक्यूमेंट डॉट कवर डॉट एसआरसी है, वो उसके बुक के कवर है, कवर पेज का इमेज है वो। हा? और ये जो विंडो आप क्रिएट कर रहे हो ना, माई विंडो, माई विंडो के लिए हमें जो भी लगता है, टाइटल बार लगता है, स्टेटस बार, टूल बार, ये सारे जीरो करके रखे हैं। सिर्फ उसका विड्थ लेफ्ट और टॉप इतना ही उसको सेट किया है, बाकी वाले सारे प्रॉपर्टीज को जीरो सेट किया है। और उस विंडो में राइट किया है 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट। ओके, तो दीज आर द मोर एक्शंस ऑन रोल ओवर्स। नीचे लो थोड़ा सा। तो ये थर्ड विंडो पे अगर हम गए तो 15% डिस्काउंट फॉर डेटा स्ट्रक्चर, और नीचे एज इट इज है, थोड़ा नीचे लो, और नीचे जो हमने पहले टेबल क्रिएट किया था ना, वैसे ही ये वाला टेबल है यहाँ पे। तो सिर्फ क्या करना है अभी, ये पहला वाला जो इमेज है, फर्स्ट इमेज के बाद हमने क्या किया है कि जब उसके नाम के सामने, अभी ये टेक्स्ट के लिए रोल ओवर यूज किया है, तो यहाँ पे देखो ऊपर एक इमेज दिया है, IMG हाइट इज इक्वल टू 92, SRC उस इमेज का नंबर, नेम एंड विड्थ दिया है, बॉर्डर जीरो करके रखा है। तो जब सेकेंड, ये फर्स्ट कॉलम हुआ आपका, सेकेंड कॉलम आपने स्पेस के लिए, और थर्ड वाला जो कॉलम है, थर्ड वाले कॉलम में उसका नाम होगा। तो जैसे ही माउस का ऑन माउस ओवर, जब माउस उसके ऊपर आएगा तो नया विंडो ओपन होगा, और उस विंडो को हम ओपन करने के बाद वाला ओपन न्यू विंडो वाला फंक्शन कॉल होगा, जो ऊपर जाएगा। बुक वन अगर हमने ओपन किया है तो उसका माई विंडो डॉट राइट वाला मेथड ओपन होगा, और जैसे ही ऊपर वाला फंक्शन कॉल करके वहां से कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑन माउस आउट, जैसे ही वहां से आउट होंगे तो माई विंडो क्लोज करना है, जो डिस्काउंट वाला विंडो डिस्प्ले करा था उसको क्लोज करना है। सेम हमें ओओपी के विंडो को भी क्लोज करना है, और थर्ड हमें डेटा स्ट्रक्चर की विंडो को भी क्लोज करना है। तो यहाँ पे हम एक रोल ओवर के ऊपर वो एक से ज्यादा वाले एक्शंस परफॉर्म करें, ठीक है। तो रोल ओवर के थ्रू हम क्या करें, जब उसकी टेक्स्ट के ऊपर माउस आ रहा है, हाँ, लास्ट टाइम जो पहला प्रोग्राम था वो इमेज के ऊपर माउस आने के बात कर रहे थे, अभी इसके टेक्स्ट पे जब माउस आएगा तब हम छोटे विंडो में उसका डिस्काउंट डिस्प्ले कर रहे हैं। ये वाला प्रोग्राम समझा सभी को? ये वाला प्रोग्राम समझा क्या? ये प्रोग्राम समझा ना? ठीक है, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए रोल ओवर के? नेक्स्ट, एंड अभी मोर इफिशियंट रोल ओवर्स क्या होते हैं वो देखने हैं। डिक्लेयर एन इमेज ऑब्जेक्ट, असाइन द इमेज फाइल टू द इमेज ऑब्जेक्ट, एंड असाइन द इमेज ऑब्जेक्ट टू द एसआरसी एट्रीब्यूट। ये हमें पता है, हा? पहले हम इमेज ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं, और इमेज के लिए एसआरसी करके वहां पे नाम डिक्लेयर करते हैं। नीचे देखते हैं अभी प्रोग्राम, ये देखो अभी इसमें क्या किया है कि ये वाला जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावा डिमिस्टिफाइड न्यू इमेज, ओओपी डिमिस्टिफाइड न्यू इमेज, डाटा स्ट्रक्चर डिमिस्टिफाइड, ये न्यू इमेज हमने हर एक को न्यू इमेज असाइन किया है। ये डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, तो जावा का अगर इमेज है तो ये वाले सारे इमेजेस जो है हमने वन बाय वन इमेजेस के नाम असाइन किए। जावा के लिए जिया फर्स्ट वाला नंबर, जावा का जो बुक का नंबर है वो असाइन किया है, ओओपी के लिए ओओपी का असाइन किया है, डेटा स्ट्रक्चर के लिए डेटा स्ट्रक्चर का असाइन किया है। नीचे नेक्स्ट, अगर एल्स वाले पार्ट में दिया है कि जावा डिमिस्ट, जावा का जो सोर्स है उसको ब्लैंक रखना है, ओओपी का ब्लैंक रखना है, और डेटा स्ट्रक्चर का ब्लैंक रखना है। अभी ये वाला क्या करेगा, सेम है वही, एक टेबल क्रिएट किया है, टेबल में फर्स्ट वाले पार्ट में हम इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, इमेज को डिस्प्ले करने के बाद सेकेंड वाला कॉलम जो है वो ब्लैंक है, विड्थ डिस्प्ले करता है, और थर्ड वाला जो पार्ट है ना
थर्ड वाले पार्ट में सिर्फ हमने क्या किया है कि अगेन डॉक्यूमेंट डॉट कवर डॉट एस आर सी जावा का अगर है तो उसको बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में जावा को डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो इफ एल्स वाला पार्ट है ना, ये वाला नीचे वाला पार्ट है ना, सेम है जो मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन किया था। ऊपर लो थोड़ा सा ऊपर और ऊपर और बैक थोड़ा सा। यस, यहाँ पे आपने इफ वाला कंडीशन क्या रखा है कि डॉक्यूमेंट के जो इमेजेस है, ये इमेजेस को हमने अलग अलग नाम रखे हैं। तो अगर इनमें से आपका कोई भी इमेज अगर मैच होता है, देन एंड देन ओनली ये उसका नाम जो है वो बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में उसको हाईलाइट करेगा। अगर इनमें से इफ वाले कंडीशन में से जावा ओपी और डेटा स्ट्रक्चर एक का भी इमेज अगर मैच नहीं हुआ तो उसको बोल्ड अंडरलाइन में उसको हाईलाइट नहीं करेगा, अदरवाइज एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स के सामने उसका ब्लैंक आएगा। ब्लैंक मतलब उसका नाम नहीं डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये वाला एल्स वाला पार्ट है, मतलब तीनों में से एक भी नाम अगर मैच नहीं हुआ तो उसको ब्लैंक डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट, ये इफ एल्स यूज करके सेम कंसेप्ट रोल ओवर का यूज किया है। नेक्स्ट, नाउ हियर द रोल ओवर पार्ट इज कंप्लीटेड। आई होप आप लोगों को रोल ओवर समझ में आया होगा। तो रोल ओवर में सिर्फ इतना करना है कि जैसे पहले फिर से हम थोड़ा सा ऊपर लो, थोड़ा सा शॉर्ट में फास्ट में थोड़ा सा ये करेंगे, फास्ट में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और ऊपर पहले फर्स्ट पेज से रोल ओवर की फर्स्ट पेज। ठीक है, एंड थोड़ा ये देखो, जब हम रोल ओवर क्रिएट करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने एक और थोड़ा सा बैक जाओ एंड बैक आल्सो, हाँ ये वाला, पहले हमने एक टेबल क्रिएट किया था, उस टेबल में तीन कॉलम इंसर्ट किए थे और एक ही रो इंसर्ट किया था। तो तीन कॉलम में फर्स्ट कॉलम जो था इमेज था, सेकेंड वाला स्पेस था और थर्ड वाला जो था उसका डिस्क्रिप्शन था। तो उसके बाद हमने उसके लिए रोल ओवर असाइन करना स्टार्ट किए, क्रिएटिंग रोल्स ओवर पे जाओ। अभी यहाँ पे क्रिएटिंग रोल ओवर में हमने क्या किया कि जैसे ही जावा के बुक के कवर के मतलब उस इमेज जो इमेज के ऊपर हमारा माउस आएगा, तो हमें क्या करना है, दूसरा वाला इमेज डिस्प्ले करना है। तो ऑन माउस ओवर इवेंट यहाँ पे कॉल किया है। देखो, ing height is equal to 92, src उस ओरिजिनल बुक ओरिजिनल इमेज का नेम है, उसका विड्थ है, बॉर्डर 0 है, और जैसे ही माउस वहां से आएगा जहाँ पे उस इमेज पे आएगा तो हमें दूसरा इमेज को ओपन करना है जिस इमेज का src में हमने पाथ दिया है। ओके, तो ये हुआ हमारा इमेज के ऊपर रोल ओवर। देन सेकेंड था, नेक्स्ट तो सेकेंड था हमारा कि रोल बैक कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे ही माउस आता है तो हमारा एक इमेज जो है वो डिस्प्ले होता है, लेकिन जैसे ही माउस जाता है तो उसको बंद करना है ना, पहले वाला जो ओरिजिनल इमेज था उसी को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए रोल बैक के लिए कोडिंग था, नीचे आओ थोड़ा सा। तो ये रोल बैक का कोडिंग है, यहाँ पे इमेज हाइट इज इक्वल टू 92, src ये ओरिजिनल इमेज का नेम है, उसका विड्थ है, बॉर्डर है। ऑन माउस ओवर, जैसे उसके ऊपर माउस जाएगा तो हमें क्या करना है, दूसरा इमेज डिस्प्ले करना है। तो ये दूसरे इमेज का इंफॉर्मेशन है, और ये जैसे माउस उसके ऊपर आता है तो ये इमेज डिस्प्ले करना है, और जैसे माउस वहां से हटता है तो ओरिजिनल इमेज को डिस्प्ले करना है। तो ऑन माउस आउट src इज इक्वल टू, src इज इक्वल टू के सामने हम ओरिजिनल इमेज का नंबर दे रहे, जो पहला वाला इमेज था वही इमेज हम आफ्टर रोल बैक उसको डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट, जैसे हमने इमेज के लिए रोल ओवर किया था वैसे ही हम टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे एक दिया था कि हर कवर का हमने नाम दिया है जावा ओपी और डेटा स्ट्रक्चर का, तो जैसे उसके सामने उस कवर के सामने कवर के ऊपर हम माउस मूव करेंगे, नीचे कर लो थोड़ा सा, उस कवर के ऊपर उस इमेज के ऊपर जैसे ही माउस हम मूव करेंगे तो उसके सामने उसका जो बुक का नाम है वो थोड़ा सा बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए लिखा है यहाँ पे एंकर टैग। ये टेक्स्ट रोल ओवर जब हम यूज करते हैं ना, टेक्स्ट को हमें रोल ओवर करना है अभी, इमेज को नहीं। जब इमेज क्यों करना होता है तो img यूज करते हैं, जब टेक्स्ट को करना है तो एंकर टैग यूज करते हैं।
ऑन माउस ओवर यहाँ पे क्या किया है कि जैसे ही उस डॉक्यूमेंट डॉट कवर डॉट src इस इमेज के ऊपर आपका माउस आएगा तो बोल्ड और अंडरलाइन फॉर्मेट में हम जावा डिमिस्टिफाइड ये वाला जो नाम है ये बोल्ड और अंडरलाइन में डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट तो यही उसका कोडिंग था और ये कोडिंग तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए था। और देन नेक्स्ट था मल्टीपल एक्शंस में। मल्टीपल एक्शंस में हमने क्या किया था कि सेम जो तीन बुक्स थे नीचे लाओ थोड़ा, तीनों बुक्स थे, तीनों बुक्स के हम नाम के सामने आने के बाद क्या करे थे जावा ओपी इसको हाईलाइट डिस्प्ले करे थे। अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ही उस नाम के ऊपर उस इमेज के ऊपर आएगा तो हमें उसके सामने एक छोटा सा न्यू विंडो ओपन करके उसके सामने हमें उस विंडो में राइट करना है डिस्काउंट। तो नेक्स्ट वाले पेज में उसका कोडिंग दिया था। तो नेक्स्ट वाले पेज में उसका कोडिंग दिया है कि बुक वन के ऊपर अगर हम जाएंगे तो छोटा सा एक विंडो ओपन होना चाहिए जिसके ऊपर हमें राइट किया रहेगा कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। इस तरह से बुक वन है तो 10, बुक टू है तो 20, बुक थ्री है तो 15% डिस्काउंट का हमें छोटे विंडो में डिस्प्ले होगा। और जैसे ही माउस वहां से हट जाएगा तो वो वाला छोटा विंडो हमें क्या करना है क्लोज करना है। तो ये वाला कोडिंग उसके रिलेटेड था। नेक्स्ट 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 और ये इफ एल्स यूज करके सेम वाला पार्ट था कि इफ में से सारे तीनों में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो उसको उसके सामने जो इमेज है उसको डिस्प्ले करेंगे, अगर तीनों में से एक भी नाम सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ब्लैंक रखेंगे। ये वाला सिंपल एक था। तो ये वाला पूरा कंसेप्ट था आपका रोल ओवर का। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 5। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल्स। प्लीज ओपन द सिलेबस ऑफ CSS। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ये वाला चैप्टर समझा? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 5। ओके, नाउ हम प्रैक्टिकल के बारे में अगर देखेंगे, प्लीज लिसन क्लियर फॉर यू। मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकती एक ही बार, अभी ये हमारा CSS का लास्ट लेक्चर है, आफ्टर दैट द चैप्टर नंबर 6 विल बी टेकन बाय बोर्ड से मैडम। तो मैं आज आपको डिटेल्स प्रैक्टिकल के बारे में बता दे रही हूँ। यू कैन ऑल्सो शेयर द प्रैक्टिकल रिलेटेड जो मैंने अभी बताया है वो आप ग्रुप में शेयर कर देना किसी ने भी, और बाकी स्टूडेंट जो अभी लेक्चर नहीं अटेंड किया उनको भी पता चलना चाहिए कि CSS में क्या प्रैक्टिकल्स करने। तो नाउ इन दिस प्रैक्टिकल देयर आर आई थिंक टोटल 16 प्रैक्टिकल्स आर देयर। तो 16 में से हमें सिर्फ 12 ही प्रैक्टिकल करने हैं। 12 प्रैक्टिकल्स कैसे करोगे आप? जैसे जिनके सामने स्टार लिखा है, अभी यहाँ पे लिखो प्रैक्टिकल नंबर 2, डेवलप जावास्क्रिप्ट टू यूज द डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है इसके सामने स्टार है। देन प्रैक्टिकल नंबर 4 के सामने स्टार है, प्रैक्टिकल नंबर 6 और 7 के सामने स्टार है। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स है जिनके सामने स्टार है वो कंपलसरी प्रैक्टिकल्स है, और ऐसे कंपलसरी आपको 12 प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो जितने स्टार वाले प्रैक्टिकल्स है ना वो आपको राइटअप में आप कैसे लिखोगे, जिनके पास ऑलरेडी पेजेस है उन्होंने जेरोक्स करवा के पेजेस के ऊपर लिख लो, और जिनके पास पेजेस नहीं है उन लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा 100 पेजेस का 100 पेजेस का एक नोटबुक लगाना है जिसके ऊपर आप ये एक एक करके सारे क्या बोलते हो आप सारे प्रैक्टिकल्स को लिखोगे। जैसे प्रैक्टिकल नंबर 1 है मेरा डेवलपिंग जावास्क्रिप्ट टू यूज डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट। तो ये वाले प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप उसका एम लिखोगे, उसके बाद उसके रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया आपने उसका नाम लिखना है, सॉफ्टवेयर के बाद उसका थोड़ा सा थ्योरी लिखना है कि लूपिंग या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा इन शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल नहीं। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बुक में ऑलरेडी हर चैप्टर में आपके जितने भी पॉइंट्स है सिलेबस वाइज हर चैप्टर के लिए 3 से 4 प्रोग्राम है। तो लूपिंग और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए आप बुक से प्रोग्राम लो, अदरवाइज आप नेट से प्रोग्राम लो, आप किसी वेबसाइट से अगर रेफर करते हो तो वो प्रोग्राम लो। आपको वो कोडिंग वहाँ पे प्रिंट आउट लगाना है। अगर आप पेजेस पे लिख रहे हो
अगर आपको प्रिंटआउट पॉसिबल नहीं है, जिन लोगों को प्रिंटआउट पॉसिबल नहीं है उन लोगों को वो हैंड रिटन मतलब अच्छे से हैंड राइटिंग में जैसे प्रोग्राम लिखते हैं वैसे ही लिखना है, और नेक्स्ट पेज पे उसका आउटपुट ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है, जो लोग प्रिंटआउट निकालेंगे उनको प्रिंट निकालना है। तो आपको क्या करना है कि जिन लोगों के पास पेजेस है वो पेजेस के ऊपर उसको जेरोक्स करके, ये 12 प्रैक्टिकल लिखोगे आप, और 12 प्रैक्टिकल ये यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल फॉर द गिवन हेडिंग। तो हेडिंग के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, नेट से लो। मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि बुक से आप हर चैप्टर के अंदर 3 से 4 प्रोग्राम है एवरी टॉपिक के अंदर, तो आप टॉपिक वाइज और बुक इस बुक को अगर रेफर करोगे तो बुक में से आपको एज इट इज आपको प्रोग्राम को कॉपी करना है और उसको मैनुअल में लिखना है, और उसके आउटपुट में जो आउटपुट का विंडो आता है ना वो भी आप ड्रॉ करके भी लिख सकते हो। तो ऐसे आपको 12 प्रैक्टिकल्स रेडी रखने हैं, और जैसे ही हमारा आई डोंट नो कि कॉलेज स्टार्ट होता है या नहीं, अगर यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल का टर्म आता है कि हमें प्रैक्टिकल्स के लिए चेकिंग या फिर उसके ये है, तो आप जैसे ही मैं आपको वो मैसेज डालूंगी तो आप गूगल क्लासरूम के ऊपर आपके 12 प्रैक्टिकल्स लिख के रखोगे, और उसका जो पीडीएफ बना के हर स्टूडेंट ने पीडीएफ बना के उसको सबमिट करना है, ऑन दैट बेसिस हम टर्म वर्क के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो ये रहेगा आपका सीएसएस के प्रैक्टिकल्स। तो सीएसएस के प्रैक्टिकल्स में अभी कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो अभी मुझे पूछ लो, प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल के रिलेटेड आपको 12 ही प्रैक्टिकल करने हैं, डू नॉट टेक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल, जस्ट टेक द हेडिंग, जो स्टार वाले प्रैक्टिकल से वही हेडिंग लिखने हैं एम में। उसके बाद सेकंड लिखोगे आप सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, वो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड में आपने कौन से सॉफ्टवेयर यूज करके उसको रन करके देखा वो लिखना है। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है लैपटॉप नहीं है तो उन लोगों ने मोबाइल पे भी ऑनलाइन आपके वेबसाइट्स के ऊपर एडिटर अवेलेबल है उसको भी रन करके आप वेरीफाई कर सकते हो। और उसके बाद उसके थोड़ा सा थेरी लिखना है आपको, थेरी में शॉर्ट में उसका डिटेल, व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस, थोड़ा सा इन शॉर्ट में लिखना है, सिंटैक्स लिखना है और थोड़ा सा थ्योरी लिखना है। देन उसके लास्ट में आप उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट जो किया है वो प्रोग्राम लिखोगे, और लास्ट में उसका आउटपुट लगाओगे। जिन लोगों के पास पेजेस है वो पेजेस के ऊपर लिखेंगे, जिन लोगों के पास पेजेस नहीं है 100 पेज का सेपरेट एक छोटा सा रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर अगर बनाओगे तो इट इज ऑल्सो गुड। तो रजिस्टर के ऊपर आप उस प्रोग्राम को उसके आउटपुट को आप ड्रॉ करोगे वो भी हमें चलेगा। देखो पेजेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेजेस कोई भी यूज कर सकते हो, बाहर भी स्टोर पे अगर आप जाओगे तो आपको ब्लैंक पेजेस मिल जाते हैं तो आप वो भी रेफर करते हो तो आप चलेगा, लेकिन अगर जिन लोगों को बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि बाहर जाना ही नहीं है, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो एक छोटा सा नोटबुक खरीद लो, या फिर अगर पेजेस है तो उनके 100 जेरोक्स पहले से ही बना के रखो कि बार बार जाना ना पड़े। ठीक है, यू कैन जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप रेफर कर सकते हो। अभी इस 12 प्रैक्टिकल के बाद और कोई क्वेश्चन है आपका? आई थिंक प्रैक्टिकल रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई भी अभी 2 मिनट लॉग आउट नहीं करना है, मैं जस्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ?